बनाएंगे हम बथुआ के पराठे। जो मैंने 400 ग्राम बथुआ लिया हुआ है जिसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है, अब मैं इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। हम इसके 2 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। बथुआ हमारा 2 मिनट के लिए बॉईल हो चुका है, अब गैस करेंगे ऑफ और इसको ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब ये बथुआ ठंडा हो चुका है, अब मैं इसको पीसूंगी। इसमें डालूंगी मैं 3 चिली ग्रीन और 3 से 4 अदरक लहसुन और एक अदरक का छोटा सा पीस, थोड़ा सा पानी। अब मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। ऑलरेडी बथुआ मेरा पीस चुका है, ठीक है। अब मैं एक बाउल लूंगी आटा, इसमें मैं डालूंगी आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच अजवाइन। अब इसमें डालेंगे हम बथुआ, इसको करेंगे हम मिक्स। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हाथ में ऑयल। रेडी हो चुका है हमारा आटा, अब बनाएंगे हम बथुआ के पराठे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, पराठे रेडी हो चुके हैं। आप देखिए कितने यम्मी बने हुए हैं। आप आलू की सब्जी से ट्राई कर सकते हो, चटनी से बहुत यम्मी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखो गाइस, मम्मी ने खाना बनाया, ये देखो आलू की जूस और ग्रीन रोटी। तो चलो टेस्ट करते हैं, आप भी देख सकते हैं। सबसे पहले आलू की जूस, अरे वो, तो चलो खाना शुरू करते हैं। क्या स्वाद बनाए, अब चलो मसाले पे। जॉइन क्या स्वाद बनाई मम्मी ने। अगर आपको मेरा मम्मी का वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाय।